नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जनमानस से, आम जनता से जुड़ी हुई मुद्दों पर चर्चा करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो मुद्दे हैं वो जनता को कितना प्रभावित कर रहे हैं और उनका हल क्या हो सकता है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं वो मुद्दा है, आज से स्कूल जो हैं वो 11वीं और 12वीं कक्षाओं के खुल रहे हैं और इसी संबंध में मुख्य सचिव महोदय का एक पत्र जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कलेक्टर्स और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ये लिखा है कि 26 तारीख से लेकर के और 31 तारीख के मध्य आप पूरा वैक्सीनेशन स्टाफ का करवा लीजिए। तो इसी संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकास बोंदरिया जी जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रवक्ता श्री फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी के पास आना चाहता हूं। सिद्दीकी जी, सरकार की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से कि 26 तारीख से 31 तारीख तक के मध्य जो है वो पूरा वैक्सीनेशन स्कूल के स्टाफ का करवा लिया जाए और 26 तारीख से ही स्कूल खुल रहे हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? कांग्रेस पार्टी की पहले भी कह रहे हैं कि सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है लॉकडाउन की और अनलॉक की, नंबर एक। नंबर दो, सरकार जो है किसी भी वैज्ञानिक कारणों को, वैज्ञानिकों की सलाह के, वैज्ञानिकों की मशवरा के किए बिना सिर्फ अपनी राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिए सरकार के जो निर्णय है वो सामने आ रहा है। वे राजनीतिक कोरोना की आपदा में भी उन्हें वाहवाही सूझ रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। मैं समझना चाहता हूं सरकार से कि कौन से वैज्ञानिक कारण थे जिस पर हमने 11वीं 12वीं से स्कूल खोले गए, नंबर एक। नंबर दो, हमको इस बात का जवाब दीजिए, क्या आपने अभिभावकों से चर्चा की, उनकी उनकी आपने जो है स्वीकृति ली कि ऐसे स्कूल खोलना हम चाहते हैं, आपकी क्या क्या राय है, क्या मशवरा है, इस बात पर सरकार की चिंता नहीं। और नंबर तीन बात कि उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी असंवेदनशील है, हमारे जो छात्र हैं उनको और जो हमारे शिक्षक हैं उनको, कि 26 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं और 26 तारीख से ही वे वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं। क्या मैं समझना चाहता हूँ कौन सी ऐसी देवीय शक्ति सरकार के पास प्राप्त है जिस देवीय शक्ति के आधार पर उनको ये जानकारी है कि 4 दिन के अंदर में आपको इम्यूनिटी यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अविकसित हो जाएगी। ICMR और जो खुद टीका बनाने वाली आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका कहना ये है कि 2 डोज, पहला डोज, दूसरा डोज और दूसरे डोज के 15 दिवस के बाद आपके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कोरोना से लड़ने की वो विकसित होती है। तो मैं, और वो भी 70 से 80%, 100% नहीं है। तो मैं सरकार से ये समझना चाहता हूँ कि अगर आपको खोलना करना था तो ये आपने मार्च में क्यों नहीं किया,
या आपने 21 तारीख को जून को आपने जो कोरोना महोत्सव मनाया था तब आपने क्यों शिक्षकों को नहीं टीके लगवाए? अब जब मुहाने पे आ गए, स्कूल भी खोल रहे हैं और टीका भी उसी दिन लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सरकार के ये जो हास्यास्पद निर्णय हैं, इन हास्यास्पद निर्णय जो है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और शिक्षा जैसे गंभीर मामले, स्वास्थ्य जैसे गंभीर मामलों में सरकार को संवेदनशीलता बरतना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फिरोज जी, आपके बात आज मैं विकास बंदरिया जी से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। विकास जी, फिरोज जी ने जो अभी कहा है कि 26 तारीख से खुलना है और 26 तारीख को ही जो है वो सर्कुलर जारी करके 26 तारीख से 31 के बीच के टीके लगाने की बात हो रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस की तरफ से जो बात आई है अभी कि सरकार असंवेदनशीलता रख रही है, देखिए सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता ही सुरक्षा है, स्वास्थ्य सुरक्षा, कोरोना से हमारा सुरक्षा कवच बने बड़ी स्पष्टता से, इसलिए हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया है और तभी हमारी स्थिति यह है कि बड़े शहरों में तो 60-70% और बाकी अन्य में भी काफ़ी हद तक 30-40% तक हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस का रुख क्या है, कांग्रेस रस्म अदायगी करती है शायद विरोध प्रकट करने की, क्योंकि जून के अंतिम सप्ताह में कई चैनल्स में आप लोगों ने चर्चा करी थी कि जब हमने स्कूल ओपन नहीं किए थे और अन्य प्रदेशों में स्कूल ओपनिंग की घोषणाएं होने लगी थी, तब कांग्रेस का कहना था आप स्कूल ना खोल के छात्रों का नुकसान कर रहे हैं। आज जब मध्य प्रदेश में स्थितियां बेहतर बनी हैं, रोज बमुश्किल 20-25-30 कोरोना पेशेंट्स पूरे मध्य प्रदेश में निकल रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट मतलब लगभग 0% हो गया है जी। हमारा रिकवरी परसेंट 98-99 के बीच आ गया है, कोरोना पेशेंट्स की मौजूदगी जो है वो 200 से भी कम पेशेंट्स की पूरे मध्य प्रदेश में है, तब ICMR की जो एडवाइस आती है कि बच्चों के स्कूल हाल फिलहाल खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में हम जब सर्वे कराते हैं, सेरो सर्वे कराते हैं, उसमें देखा जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं खास करके उनमें भी 50-60% कोरोना को लेके एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, तो तब हमने इन सब निर्णयों को सरकार ने लिया है। और देखिए जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, स्कूल के टीचर्स भी वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो आप सर्कुलर की चर्चा कर रहे हैं उसमें केवल ये है कि प्राचार्यगण इस बात की तस्दीक कर लेंगे कि स्कूल में पहुंचने वाले वयस्क व्यक्ति, वो स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो या अन्य लोग हो, वो वैक्सीनेटेड हो। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो जिला चिकित्सा अधिकारी के कोऑर्डिनेशन में उनका वैक्सीनेशन प्राथमिकता पे कर दिया जाएगा 31 तारीख तक, ताकि वो अपनी सेवाएं स्कूल के माध्यम से छात्रों के उत्थान में लगा सकें। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, जो सर्वे हुआ है उसमें अधिकांश टीचरों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर मैं कहूंगा, हालांकि कोरोना का मसले में मैं कोई कांग्रेस पे बात टिप्पणी बहुत नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस का रुख कैसा है? जब स्कूल बंद थे तब कहते थे स्कूल खोलिए, आज स्कूल खोलने का एक प्रयास किया गया है ताकि छात्र छात्राएं वापस, जो नियमित क्लासें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं, अभी 11वीं 12वीं का केवल खुल रहा है, हफ्ते में 2 ही दिन जाना है, और इसके बावजूद भी सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि ऑनलाइन टीचिंग जैसी अभी चल रही थी कोरोना के महामारी के मतलब बहुत अत्यधिक प्रभाव वाले दिनों में, उस तरह से भी पैरेलल में चलेगी, ताकि जिन छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को मन में जरा भी संकोच हो, वो स्कूल ना जाके अपना घर से ऑनलाइन और ऑन टीवी के माध्यम से अपना अध्ययन अध्यापन कर सकें। तो कहीं भी विषय ये नहीं है, सब विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के विरोध करने का, आप देखिए इनकी टीवी
चैनल्स पे बाइट्स और टीवी चैनल्स पे डिबेट्स में इनका रुख जून के और जुलाई के पहले हफ्ते में क्या था और आज क्या हो रहा है, मुझे बड़ा हैरत लगती है कि कांग्रेस अपने स्टैंड सरकार के निर्णय को लेकर पलटती है। अरे भाई, आपका तब सुझाव था, सरकार ने वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से अध्ययन करवाया, उन अध्ययनों के बाद में एक विकल्प के साथ में, एक विकल्प के रूप में तैयारी चालू की और आप उसमें विरोध प्रकट कर रहे हैं। मतलब ये कांग्रेस की असंवेदनशीलता है विषयों के प्रति, कोरोना के प्रति, छात्रों के अध्ययन के प्रति। जी 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 बोंद्रिया जी, नितिन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा प्लीज बोल लेने दीजिए, फिर नितिन आप ले लीजिएगा। हाँ, आप बोलिए, आप फिरोज जी आप बोलिए जी। मैं चाहूंगा आपके बीच में आ गया मैं, लेकिन बोलना मेरा जरूरी। नहीं नहीं, बोलिए आप जी। कांग्रेस ने ये कहा कि सरकार वैज्ञानिक तरीके से निर्णय लेना चाहिए सरकार को। कांग्रेस ने आज भी, हम स्कूल खोलने के विरोधी नहीं है, लेकिन हम सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं लोगों की। क्या सुरक्षा के मापदंड, आपने सुरक्षा के मापदंड होगा वैज्ञानिक अध्ययन कराया है क्या? कांग्रेस पार्टी ने कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन कराया है क्या? तो बताइए चीजों को, तो भ्रम पैदा करिए। आपने कहा वैज्ञानिक अध्ययन कराया है? अरे तो भाई विकास भाई, रिपोर्ट दीजिएगा अगर कांग्रेस कमेटी ने कोई अध्ययन कराया हो तो। विकास भाई, आप हास्यास्पद, इतने सीनियर आदमी हो के आया हास्यास्पद। अरे भाई, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, आपके पास क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन है? आपने तो इससे पहले, यहाँ रुक जाइए, बता दे रहा हूँ मैं आपको। 15 मार्च को आपने आदेश जारी किए स्कूल खोल दिए जाए 2021 को। 20 मार्च को आदेश आता है कि साहब नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। 1 अप्रैल से आपने जो है परमानेंट लॉकडाउन में चले गए, जबकि 1 अप्रैल से स्कूल खोलने के आदेश थे। तो ये किसने किया था? ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मेहनत है कि जिस दिन जैसा कांग्रेस पार्टी को कहते हैं, हम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है। देखिए भाई, हम सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। हुई परिस्थितियों में रोज और हर घंटे निर्णय लेना पड़ेंगे, उसमें भी लेने मेहनती सरकार है, मेहनती सरकार है। अरे वो तो घर में सो रही है सरकार, हम तो रोज देख रहे हैं उनकी बात। नहीं सो रही है घर में, हाँ रोज घर में सो रही है सरकार। आप ऐसे ऐसे आप लोग निर्णय करते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? जनता की बेहतरी सबसे प्राथमिकता पे है। कानून दो जी, मेरे सवालों का जवाब आप ही ले लीजिए इनसे। जी जी, ताकि बहस आगे बढ़ सके। मैं लेता हूँ आप जवाब, उसके पहले मैं नितिन जी से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, नितिन जी आवाज आ रही है आपको? नितिन जी, हाँ आ रही आवाज आपकी, आ रही है। हाँ, अभी कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता दोनों की चर्चा अभी आप यदि सुन पाई हो आपने, तो आपका क्या मत है ये स्कूल खुलने के जो निर्णय हुए हैं सरकार के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्कूल का सीधा संबंध जो है वो हमारे परिवार से, हमारे घर से है, समाज से है। अगर मान लीजिए शासन के निर्देश पर, आम आदमी को तो अब वैक्सीन मिल नहीं रही है, चाहे गांव हो या शहर हो, लाठी चार्ज हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये तो अव्यवस्था है, आप सब देख ही रहे हैं, अपन भी देख रहे हैं। देखिए, अगर 100% स्टाफ को वैक्सीनेट आपने कर भी दिया, उसके प्यून भी हो गए, स्टाफ भी हो गए, प्रिंसिपल भी हो गए, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो है क्या 100% उनका वैक्सीनेशन? दूसरी बात, जो बच्चे घर से, अपने माता पिता के घर से, अपने परिवार से स्कूल आ रहे हैं, क्या उस पूरे परिवार का 100% वैक्सीनेशन है 26 तारीख तक? आप देखिए, स्टाफ को सुरक्षित रख के आप क्या करेंगे? कर भी दिया आपने, शासन के निर्देश है, आप तो ये कह देंगे कि भाई आपका लाइसेंस जो है स्कूल का मान्यता नष्ट कर दी जाएगी अगर 100% वैक्सीनेशन। तो व्यक्ति का है, ये स्कूल का जो है संचालक है या कोई भी व्यक्ति है या प्रिंसिपल है, वो तो अपने स्कूल को या अपनी संस्थान को 100% वैक्सीनेट करवा लेगा, पैसे देके भी करवा लेगा। स्पूतनिक लेकर आ जाएंगे डॉक्टर, स्कूल में कैंप लगा लेंगे, एक दिन में सब हो जाएगा। भाई मुख्यमंत्री का निर्देश है, चीफ सेक्रेटरी का निर्देश है, वो भी बड़ी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा घर से स्कूल जा रहा है, क्या वो बच्चा वैक्सीनेट है या उसका परिवार, उसके चाचा, उसके दादा, उसके मामा या जो वहां रहता है माता पिता उनके साथ, क्या वो 100% घर दोनों डोज ले चुका है? सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो बच्चा तो स्कूल जाएगा ना,
वो बच्चे को लेने माता पिता भी जाएंगे। तो ये दुख समझ में नहीं आ रही है कि आप स्कूल को स्टाफ को करने से क्या सरकारी महकमे को आप वैक्सीनेट कर देंगे, जो आम आदमी है, जो सड़क पे है, या जो सामान्य वर्ग है, या जो भी वर्ग है समाज का, उसका क्या करेंगे फिर आप? अभी इतनी वैक्सीन की कमी है। देखिए ये सब जो चीजें हैं वो ये सब उसमें कोई दम नहीं देखता। ये कोरोना से भी खिलवाड़ हो रहा है, आम आदमी से तो खिलवाड़ हो ही रहा है, कोरोना से भी खिलवाड़ हो रहा है। वो वैक्सीन के आगे पीछे ये चूहे बिल्ली जैसे दौड़ लगा रहे हैं, इतना आप वो कर देंगे, इतने रिकॉर्ड बना लेंगे, इतना जो है सोशल मीडिया पे आ जाएगा, है ना, ये सब चल रहा है। इससे कोई मुझे नहीं देखता कि इतने, मैं भी सब देख रहा हूँ, पूरा टीवी में भी देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी देख रहा हूँ। एक घर वैक्सीनेट है, दूसरा घर नहीं है, फिर तीसरा घर है, उसके दो परिवार में दो लोगों को लगी वैक्सीन, चार लोगों को लगी नहीं, अम्मा ने लगवाई नहीं, दादा ने लगवाई नहीं, बेटे ने अकेले लगवा ली। तो जब आपकी वैक्सीन इतनी कारगर है कि एक दो आदमी को लगने से ही जो है पूरा उसका जो आसपास के लोग हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे, तो फिर ऐसे ही करके एक एक वार्ड में पार्षद को लगा दो, है ना, एक नेता प्रतिपक्ष को लगा दो, वो बस जनता को छोड़ दो सड़क पे। ये बेकार की बात है। दूसरा, जो बीजेपी प्रवक्ता विकास जी कह रहे थे कि साहब वो वैज्ञानिक पद्धति से हुआ है, इसमें कौन सी वैज्ञानिक, मेरे भी दो बच्चे हैं, कौन से वैज्ञानिक घर आ गए मेरे, किस डॉक्टर ने फोन करके सवाल कर लिया मुझसे, ये सब बेकार की तुकबंदी। टीवी पे करने से कुछ नहीं होता। आप कौन सा वैज्ञानिक तरीका अपनाया आप मुझे बता दीजिए, विकास जी आप बता दीजिए क्या वैज्ञानिक तरीका है। अरे भाई वैक्सीन कैसे लग रही मालूम आपको, एक मिनट आप सुन लीजिए, बोलना अच्छे से, वैक्सीन कैसे लग रही है? वैक्सीन ऐसे लग रही है, उसकी जो गाइडलाइन है कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगना है उसका बीपी या उसको शुगर या उसको कुछ है तो नहीं, जो रात में बुखार आ जाए तो ऐसा नहीं रात में ही वो जो है भगवान को प्यारा हो जाए, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ नर्स जो है इंजेक्शन लेकर बैठी है, वो नंबर बाय नंबर 1 2 3 करके लगा रही है। दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि आधा घंटा या 15 मिनट उस व्यक्ति को आप रेस्ट लेके उससे पूछे कि भाई आपको क्या तकलीफ है, इतना कुछ हो नहीं रहा है केंद्रों पर भी जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ये सब बेकार की चीजें हैं और वो तो सब खुलना है। देखिए ये संसार चलना है और जो कोरोना है, महामारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उस पर राजनीति भी उसी तरह से चलना है, होना जाना कुछ नहीं है इसका, बिल्कुल और देख रहे हैं हम। नितिन जी मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा, अब मैं विकास जी से बात करना चाहता हूँ। विकास जी, फिरोज जी और नितिन जी दोनों ने अपने अपने मत रख दिए, अभी आपने सुने हैं उनको, इस तरीके से तो फिर कभी दुनिया चल ही नहीं पाएगी। यदि पूरा, जब तक भारत पूरा वैक्सीनेट नहीं हो जाता, 100% जितनी जनसंख्या भारत की है वो नहीं पूरी हो जाएगी, तो जब तक तो फिर कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं इसलिए बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें मेडिकल एडवाइजेस के वो ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। नंबर एक, जहाँ तक स्कूल के छात्र छात्राओं की बात है, 18 साल से कम पे तो वैक्सीनेशन दुनिया भर में नहीं हो रहा। 11वीं 12वीं के बच्चे जो होते हैं 18 साल से बड़े नहीं होते हैं। दूसरी बात, दुनिया भर में स्कूल खुले हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले में, स्कूल खोलने के मामले में सलाह ही दी थी, उसके अनुसार दुनिया भर में। महायज्ञ का कॉन्सेप्ट खत्म करो ना बस। नहीं नहीं, देखिए नितिन जी, कहीं हमें ऐसे महामारी के वक्त में एक लेजिटिमेट तरीके निकालने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए। मैंने निवेदन किया ना, अगर नितिन जी को या किसी भी अन्य को, मुझे भी अगर संकोच है बच्चों को स्कूल भेजने में, तो सरकार ने विकल्प दिया है। जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस, टीवी के माध्यम से क्लासेस चल रही थी, पठन पाठन चल रहा था, वो तो कंटिन्यू ही किया जाएगा। एक प्रायोगिक तौर पे आप कह लें कि हमने बड़े सीनियर बच्चों के साथ में, जो ज़्यादा समझदारी से सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, उनको भी स्कूल में, कक्षा में आधे बच्चे 50% अटेंडेंस के साथ में हफ्ते में 2 ही दिन मौजूद रहें, ताकि जो हम समझते थे कि टीचर के परोक्ष अध्यापन से जो फायदा मिलता है और जिससे हमारे छात्र छात्राएं अभी तक जिसको नहीं पा पा रहे थे, वो उन्हें हासिल हो सके। बाकी अन्य विकल्प तो चालू ही हैं। देखिए जहां तक वैक्सीनेशन की पद्धति का सवाल है, एक बात है, वैक्सीनेशन पुलजोल से लगाई जा रही है। देखिए वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें हर वैक्सीन के डोज को प्रिपेयर होने में एक निश्चित समय लगना ही, उसके बाद में कल्चर होगा तो आगे की वैक्सीन बनेंगी। तो ये जो कल्चर प्रिपरेशन का वक्त है, इस मामले में तो हम सब क्या, दुनिया मजबूर है।
फिर भी वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए ये प्रयास है, क्योंकि एक हमें सुरक्षा कवच देता है। इसके बाद वैक्सीनेशन के बाद भी नितिन भाई सब हमें जो भी प्रिवेंटिव तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, मास्क पहनना, ये सब तो तब भी रखना है। और चौथी बात है जो आप बार बार कह रहे हैं, वैक्सीनेशन को लगाने की पद्धति। देखिए जनवरी में जब वैक्सीन लगना चालू हुआ था तब एक मेडिकल प्रोटोकॉल अलग बनाया गया था, लेकिन मेडिकल एक्सपीरियंस के साथ में और जैसे उसका मरीजों के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो जो डॉक्टर्स की टीम होती है जो वैक्सीनेशन के लिए जवाबदार होती है वो अपना निर्णय लेती है। भाई जो पेशेंट को पूछते हैं, पेशेंट से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत होती है तो फिर उसे अलग केस के रूप में ट्रीट करके बाकी सब जांचें की जाएंगी। तो, लेकिन सामान्य देखिए 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 नितिन जी, एक मिनट देखिए, लकीर का फकीर मेडिकल लाइन में हुआ ही नहीं जाता है। सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट हर डॉक्टर को देना रहता है, केवल डायग्नोस्टिक से काम नहीं चलता है कि बीपी शुगर नापेगा तो ही डॉक्टर दवा देगा। भाई वो उसके क्या सिम्टम है उससे भी देख के इलाज करता है, उससे भी उन्हें भी देख के सावधानी रखता है। विकास जी मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो कोरोना वायरस था वो डॉक्टरों के गाइडलाइन पे था, विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन पे था। नहीं नहीं देखिए, अब हमारे नेताओं की गाइडलाइन पे ना देखिए देखिए नितिन जी, किस पे कंट्रोल करना। डॉक्टर ने कहा, मेडिकल साइंस ने, सुनिए तो आप, कि 45 दिन में दूसरा डोज दीजिए। अब आपने जो है रात में मीटिंग कर ली नेताओं ने कि नहीं साहब 80 दिन में देंगे, अभी वैक्सीन नहीं बन रहा है। नहीं नहीं ऐसा विषय नहीं है, आईसीएमआर का दवाई गोली कौन सी कहानी है। देखो जब नेता तय करने लगे तो पानी के इंजेक्शन लग गए ना। नहीं मुझे लगता है ये भ्रम की स्थिति है, मैं थोड़ा सा उस बात को क्लियर करता हूँ। देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जो हमारे देश में श्रेष्ठतम संस्था है मेडिकल कामों कामकाज के लिए, इलाज के लिए और प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए, उसकी एडवाइजरी पे इस ढंग का कि बेहतर वैक्सीन का डोजिंग कब होगा, कितने दिन बाद होगा, ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से और स्टडी से निकाला, तब इसे किया गया। दूसरी बात, ये पहले क्यों तय नहीं हुआ, वैक्सीन की जब कमी हुई जब क्यों तय हुआ? अच्छा मैं आपसे नितिन दुबे जी एक बात पूछ रहा हूँ, मलेरिया का इलाज सन 1915 में जो होता था क्या 2015 में भी वही होता था? अरे साहब ये मेडिकल स्टडी और एक्सपीरियंस के साथ में दवाइयां बदलती हैं। सुनिए ना आप, खिलाई जाती थी उसके पहले कुनेन खिलाई जाती थी, बदली ना दवाइयां, दवाइयां हमेशा बदलती रही है, एंटीबायोटिक्स हमेशा बदलते रहे हैं। ये लकीर का फकीर मत हो रही है। नहीं नहीं मैं एक मिनट, मैं मुझे आप हमेशा बहुत अच्छे से चीजों को रखते हैं, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, रेमडेसिविर के इस्तेमाल के बारे में अप्रैल 2020 में WHO ICMR की जो गाइडलाइन थी वो जुलाई 2020 में अलग थी, अक्टूबर 2020 में अलग थी, मई 2021 में अलग थी। देखिए ये सब चीजें मेडिकल डेवलपमेंट के साथ होती हैं। नितिन दुबे जी हमें अप्रैल मई के पढ़े हुए प्रेस नोट को ही पढ़ के नहीं चलना पड़ेगा, हमें बाकी के प्रेस नोट भी तो मित्र पढ़ना पड़ेंगे। आज का प्रेस नोट, आने वाला प्रेस नोट भी बता रहे हैं, ये तो विकास जी ना ना गलत ढंग से मेडिकल राय के बाद में आप हम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अधिकृत नहीं है जो मेडिकल एडवाइस के ऊपर चर्चा करने के लिए। हम क्या सुपर सुपर स्पेशलिस्ट हैं जो सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एडवाइजर्स की राय को दरकिनार करेंगे? सुनिए तो विकास जी, हम नहीं जानते ना कि इस इंजेक्शन में पानी है कि दवा है, यही तो बात है ना। अगर ये हमें पता होता तो ऐसा होता ही नहीं ना अभी। मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा अलग ट्रैक पे जाके विचार मंथन करने लग रहे हैं। 26 जन बच्चों की सुरक्षा को कैसे मुहैया कराया जाएगा उसी पर, जिसमें तो वही तो सवाल है कि आप क्या उस बच्चे के परिवार को वैक्सीनेट कर चुके हैं, उसके पड़ोस को? बात तो वही है ना। देखिए हमने बहुत सारे कामकाज चालू कर दिए हैं, तो बहुत सारे कामकाज चालू कर दिए हैं, लगभग 95% कामकाज चालू कर दिए हैं, जबकि हम 100% नहीं है। मुझे लगता है सबके बारे में आपत्ति होगी। फिर आपको दोनों को फिरोज जी के पास आना चाहता हूं। फिरोज जी आप दोनों की चर्चाएं सुन रहे हैं, आप जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया इस पर देने का कष्ट करें कि ये जो बात जो हुई है। जी
राजेश जी, कांग्रेस भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य हो, हमारी आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो, हमारे नौनिहाल स्कूल खुल सके, कॉलेज चल सके, सब चीज सामान्य चल सके। धन्यवाद। लेकिन जनता अच्छा लगा। की सुरक्षा, जनता के स्वास्थ्य से समझौता करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता। पहले जान है तो जहान है, और सरकार जो है इसके जो निर्णय है, इनके निर्णय ऐसे सामने प्रतीत होते हैं, मुझे क्षमा करेंगे बोंदरिया जी, जैसे बंदर के हाथ में आप उस्तरा दे दो कि वो दाढ़ी मूछ मूंडने की जगह नाक कान काट देता है। भाई आपने चूंकि राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास किया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पंजाब में जवाब किसी चीज का नहीं है, ये उल्टे सवाल जो है। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में 25 मरीज रोज निकल रहे हैं, पंजाब में इससे ज्यादा वहाँ स्कूल खोला जा रहा है, तो अमरिंदर सिंह की सरकार के उस्तरा लेके काम कर रही है बंदर समान। ये बोलिए आप, अमरिंदर जी की सरकार पंजाब में बंदर समान उस तरह लेके काम कर रही है, वहां तो कोरोना पेशेंट ज्यादा निकल रहे हैं पंजाब में, फिर भी वो स्कूल खोल दिए। वो आप लोग हैं कि एक मरते 50 आदमी हो बताते एक आदमी है, वो आपकी सरकार की कला। गलत बात मैं ऐसा नहीं, आपके जितने अस्पताल वाले मित्र हो, किसी ने सर्टिफिकेट दिया कोविड डेथ का, उसे सरकार ने आंकड़े में नहीं लिया तो बताइएगा। ठीक है ना, ये बता दीजिए, आपका डॉक्टर सेल है ना, आपके कांग्रेस में डॉक्टर सेल है, उससे आप तो ये कागज निकलवाइए कि किसी प्राइवेट अस्पताल में कम से कम, जिसमें डॉक्टर सेल का अगर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तो वो बताए कि कोविड से डेथ हुई है, अस्पताल ने कोविड डेथ सर्टिफिकेट किया है और उसे आंकड़े में नहीं लिया है। या आपका डॉक्टर सेल नहीं है, या आपका कोई अस्पताल से जुड़ा भी नहीं है। अपन समय की सीमा को देखते हुए अपन चर्चा कर रहे थे, सब चीजों का जवाब है स्पष्ट। कांग्रेस की आदत है कि जो सरकार निर्णय ले, जो प्रयास करे, उनको केवल राजनीतिक रूप से उनका प्रति बिल्कुल समय की अपनी मर्यादा है। फिरोज जी के भी प्रश्न और उत्तर आ चुके हैं, बुंदरिया जी ने भी काफी उससे बता दिया है, नितिन जी भी, और मैं तीनों मेहमानों को धन्यवाद देता हूं। और हम इस विषय पर पहुंच चुके हैं, अतः पब्लिक एजेंडा को समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए, और बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ, देखते रहिए अगला कार्यक्रम। नमस्कार।